सस्रीकाल नमस्ते केम छो आदाब गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्लासिक ग्रिप। सो गाइस, आज है दुशहरा। आज के ही दिन रावण की मृत्यु हुई थी। रावण को सभी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी के रूप में याद करते हैं, लेकिन आज की हमारी चर्चा होगी रावण की पॉजिटिव साइड्स पर। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंडियन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण वाज ए ग्रेट स्कॉलर, ही वाज गार्डियन ऑफ ग्रेट स्कॉलर पुलस्त्य। रावण के पिता विश्व एक ब्राह्मण थे और माता कैक्सी एक राक्षसी थी। सो रावण में ब्राह्मण जैसी मेंटल स्ट्रेंथ थी और राक्षस जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ, इसी वजह से रावण को ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। अपने पिता से रावण को चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त था। रावण के 10 सिर उसकी ह्यूज नॉलेज का ही प्रतीक हैं। रावण वाज एन अमेजिंग प्लेयर ऑफ विना। रावण ने अपनी स्ट्रेंथ से तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया था, यहाँ तक कि गॉड ऑफ जस्टिस शनिदेव और गॉड ऑफ डेथ यमदेव को भी रावण ने हराकर कैद कर लिया था। रावण शिवजी का फेवरेट भक्त था। शिवजी की प्रेज में रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी। यह स्तोत्र आज भी प्रेयर सॉन्ग के रूप में शिव मंदिरों में गाई जाती है। रावण के ज्ञान का एस्टीमेट इस बात से लगाया जा सकता है कि जब रावण युद्ध में घायल होकर गिर गए थे तो राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान की बातें सीख के आने के लिए बोला था। रावण ने लक्ष्मण को सक्सेसफुल लाइफ, पॉलिटिक्स एंड स्टेट्समैनशिप से जुड़ी बातों का ज्ञान दिया था, जैसे कि नेवर अंडर एस्टिमेट वंस एनिमी, वन शुड नेवर रिवील वंस लाइफ सीक्रेट टू एनीवन, डोंट थिंक यू आर ऑलवेज ए विनर इवन इफ यू आर विनिंग ऑल द टाइम, एंड डोंट बी द एनिमी ऑफ योर चैरियटियर, गेटकीपर, कुक एंड योर ब्रदर, दे कैन हार्म यू एनी टाइम। सो गाइज, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप लोग रावण को कैसे रूप में देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। ह्यूगा।